अगर आप पैन कार्ड की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए विल। हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज की इस खास वीडियो हम आपको अनबॉक्स करके तो दिखाएंगे साथ में थोड़ा बहुत जानकारी भी देंगे कि NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है जो इसे हैंडल करता है आपके पेंशन अकाउंट यानी NPS जिसे बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको जो कार्ड बन के मिलता है वो पैन कार्ड जिसे बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अनबॉक्स करके। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसका एक अकाउंट ओपन किया था, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं NPS अकाउंट के, क्यों और मैंने कैसे इसे स्टार्ट किया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल हैं, जो प्राइवेसी के लिए मैंने थोड़े छुपा रखे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे उस चीज़ को और क्या क्या फ़ायदे हैं वो पीछे आपको यहाँ पे लिखा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के फीचर्स और स्कीम्स क्या क्या हैं, कैसे रिबेट मिल जाता है ATC के अलग अलग तरीके से आप कैसे रिबेट ले सकते हैं वो भी चीज़ है, और कौन रेगुलेट करता है यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। Tier 1 Tier 2 दोनों अलग अलग चीज़ें, एक लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसे बोलते हैं Tier 2 के लिए, ठीक है। फंड मैनेजर, सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पावर ऑफ चॉइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, पैसे की लिमिट चेंज कर सकते हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज रहा, जितना मैं कन्विंस हो पाया NPS को स्टार्ट करने से पहले, कि एक पेंशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और अगर आप, क्योंकि आज अभी का टाइम क्या है कि आप कोई भी जॉब करते हैं आपको पेंशन सिस्टम हटा दी गई है, अगर आप एक पेंशन वाली फैसिलिटी चाहते हैं तो NPS गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होती है, तो उनका अंडरटेकिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसमें मदद करते हैं, गवर्नमेंट का दखल इस चीज़ में, तो आप विश्वास करके इसको यूज़ कर सकते हैं, भारत सरकार का है। और आराम से आप इसमें मिनिमम 5000 इन ए मंथ यानी 66000 आप कर सकते हैं, मिनिमम 500 जैसे कहते हैं एक बार में, और आपको साल का कम से कम 6000 करना है, यानी अगर महीने के तौर पर भी अगर देखें तो 6000 रुपये हो ही जाते हैं, उससे अधिक आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिमिट पे है। उसका भी कैलकुलेटर है, NPS कैलकुलेटर होता है, उसके मदद से भी आप ऑनलाइन खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं, और मैं खुद भी दिखाऊं। चलिए इसको खोल के मैं अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे तमाम थोड़े मोड़े एड्रेस हैं, मैंने थोड़ा कवर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। और नेशनल पेंशन सिस्टम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ डिटेल है कि क्या क्या फ़ायदे हैं किस तरीके से, और जो मेरा पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ मेंशन है, और आप हेल्पलाइन पे भी आप जाके बाकायदा आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, वो भी आप देख पाएंगे। और पैन कार्ड जो आपको जो भेजा गया उस पर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है वो भी डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। और CRA का जो 1800-222-080 इनका नंबर है, आप बाकायदा जाके उन पर बात कर सकते हैं, तो एक अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, वो भी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में अगर मुझे पॉसिबल होगा तो जरूर मैं कवर करूँगा उसको भी, ठीक है। तो ये ऐसे एक लिफाफे में आता है, इनवेलप टाइप छोटे से इन पाउच में, और ये सटा हुआ रहता है तो उसको फाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पैन कार्ड है, नेशनल पेंशन सिस्टम, भारत सरकार, ठीक है। तो एक विश्वास है ताकि आप स्टार्ट से करें, और बहुत सारे जो टैक्स सेविंग है और 50% एक्स्ट्रा आप इसमें आपको रिबेट मिलता है, आप टैक्स जब अप्लाई करते हैं, ये आपको सी आपके जो अभी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ आते हैं। यहाँ नाम है, यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि अपने माँ का नाम रखते हैं या फादर का नाम रखते हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं, आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। या डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पे मेरा फोटो, सिग्नेचर, ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं जो मेंशन की जाती हैं, और बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से पैन कार्ड की तरह से आता है। और जब आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपसे पूछा जाएगा अगर आप एक हार्ड कॉपी इस तरीके का कार्ड चाहते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा 40 रुपये लगते हैं और कुछ नहीं चार्जेस लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पीछे लिखा है 40 रुपये, अगर आपको खो जाता है तो फिर से आपको ये 40 रुपये में आपको बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है NPS में मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल लेना, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और मेरी कोशिश जितना भी मैं सीख पाया हूँ ये जान पाऊँ जरूर आपके साथ साझा करूँगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो NPS पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं। बेसिक है कि आपको एक पेंशन मिलती है, क्योंकि पेंशन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ख़त्म हो चुकी है आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में जब आप 60 जब कंप्लीट कर जाते हैं, इसका NPS में है कि आपको अभी की एज मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो अगले 30 साल यानी 60 साल तक आप कोई भी उम्र में, आपको 60 साल तक ये लॉकिंग पीरियड होता है, चाहे आप 500 जमा कर रहे हैं या साल के 6000 जमा कर रहे हैं, उससे अधिक कोई भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं वो लॉक एक तरह से हो जाता है। और EEE यहाँ पे काम आता है, एग्जेम्प्ट, मतलब कि अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं कर रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, और लास्ट में जब यहाँ पे आपको जब मैच्योरिटी हो जाती है, जब आप विड्रॉ करते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, बस इसमें एक
लूप फॉल है आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप जो टोटल अमाउंट है आपका जितना भी आपने जमा किया और जो भी इंटरेस्ट हो कैलकुलेट करके या जो आप मैच्योर होता है, मान लीजिए कि अगर 100 रुपये हैं तो 40% आपको पेंशन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपने आपका मान लीजिए 1 करोड़ रुपये हैं तो उसमें से 60 लाख रुपये ही आप विड्रॉ कर पाएंगे 60 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे। 40 साल की एन्युइटी बनानी पड़ेगी यानी आपको उसकी पेंशन बनानी पड़ेगी। तो ये एक लूप है, ठीक है, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगता और आप तकरीबन 50,000 का एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.5 लाख का तो मिलता है ATC की तरह, ATCDB ऐसे करके है, उस पर भी आप 50% एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं, तकरीबन 2 लाख रुपये हो गए। और इसके साथ एक बुकलेट भी मिलती है तो उस पर और अच्छे से ढंग से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम राशि जो 500 रुपये या और अधिकतम राशि 6,000 रुपये यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है। और ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो एक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नया नया करियर उन्होंने स्टार्ट किया, नया नया जॉब लगी है, तो NPS में एक इन्वेस्टमेंट के तो फॉर्म में आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। और आपकी सैलरी अगर 5-10 लाख रुपए है डेफिनेटली अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और आप जब तक जिएंगे यानी आपकी लाइफ टाइम तक, एक तरह से होता है कि आप अगर मर भी गए तो आपके जो आपकी नॉमिनी है उनको भी मिलेगा, अगर वो भी मर गए तो 2-3 या 4 3 नॉमिनी आप दे सकते हैं इसमें, ये एक फैसिलिटी है। छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग था मेरी तरफ से क्योंकि मुझे मिला था। आने वाले दिनों में जैसे ऑलरेडी मैंने आधार कार्ड का ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल रखा है, हमारी कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी थोड़ा भी बहुत अपडेट कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ साझा करूँ, जितना बहुत भी नॉलेज है। तो वो एक चीज़ है, यहाँ पीछे में और चीज़ें हैं जो मैंने हाइड करके रखी थी, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे उस चीज़ को जैसे बताया मैंने। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, हमें अपना प्यार दीजिए, कुछ भी सवाल है जरूर पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा, नहीं तो यूट्यूब की दुनिया तो एक सागर है, आप जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हैं, खुद से भी और अपने बड़े लोग से भी आप पूछ सकते हैं, मुझे आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट में एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आप इसको सपोर्ट